यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ी साजिश नाकाम हुई है। मुजफ्फरनगर में 4 टाइमर बॉम्ब बरामद किए गए हैं। टाइम बम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक से एसटीएफ की पूछताछ इस वक्त भी जारी है। मेरठ से बुलाया गया बम निरोधक दस्ता। ये बड़ी कामयाबी जिसमें टाइमर बॉम्ब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया, उसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार युवक से एसटीएफ इस समय पूछताछ कर रही है। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है मेरठ से। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, क्या और जानकारी मिल रही है इस युवक के बारे में? कैसे बरामदगी हुई है और एक महिला के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी तलाश जारी है, उसका क्या कनेक्शन है इस पूरे मामले से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो एक टाइमर बम जो है वो जावेद नाम के युवक के साथ बरामद किया गया, और जब उसकी तलाशी ली गई तो 3 और टाइमर बम उसके पास से मिले। मतलब कुल मिला के 4 टाइमर बम वहां से मिले। उसके बाद मेरठ में जो बम निरोधक दस्ता है उसको बुलाया गया। जब उससे पूछताछ की गई एसटीएफ ने, तो एसटीएफ को उसने साफ किया कि इमराना नाम की एक महिला है जो कि शामली की रहने वाली है, उसने इनको बम बनाने के लिए कहा था, और जिसके लिए इसने जो इमराना है उसने जावेद को 10,000 रुपये एडवांस दिए थे और 40,000 रुपये काम होने के बाद देने का वादा किया था। और एक जो बम है बनाने के बाद जब वो डिलीवरी देने के लिए जा रहा था तभी एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार कर लिया। कहा यह जा रहा है कि ये जो जावेद है ये बम बना, जो टाइमर बम बना रहा था, उसके जो चाचा हैं वो पटाखे बनाने का काम करते थे और वहीं से ये इसने बारूद लिया था। बाकी जो ग्लूकोज की बोतलें थी और बाकी जो सामान थे ग्लूकोज की बोतलें वो डॉक्टरों से लेता था, और जो बारूद था वो उसने अपने चाचा के यहाँ से लिया था क्योंकि उसके जो चाचा हैं वो वहीं मेरठ में पटाखे बनाने का काम करते हैं। हालांकि जो महिला है इमराना जिसने इसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया था टाइमर बम बनाने को लेकर, उसको भी पूछताछ की जा रही है, उसको भी हिरासत में लिया जा रहा है। और ये जो महिला है ये शामली की रहने वाली है। कहा ये जा रहा है कि क्या उसके बारे में जानकारी मिली कि उसका इरादा क्या था? बिल्कुल, आपको याद होगा कि जब इससे पहले जब मुरादाबाद में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तब भी इसी तरीके के जो टाइमर बम थे उसका यूज़ किया गया था। और ये जो महिला है ये इमराना जिसका नाम सामने आ रहा है, उसका पहले जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे उसमें भी इसका नाम और इसके परिवार का जो नाम है वो सामने आया था। तो ये जो कनेक्शन है भी ये अभी एसटीएफ ने बताया है कि ये कनेक्शन जो है उस महिला का, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे उस समय इस महिला का तक फैले हुए हैं। इसी की जांच अब पुलिस करने वाली है।